नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ICICI जो बैंक है उसका अगर क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं तो कैसे लेंगे और उसको लेने के बाद आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे। तो सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको मिलने वाली है और मैं आपको लाइव प्रूफ भी दिखाने वाला हूं कि ICICI बैंक का जो क्रेडिट कार्ड है हमको किस वेबसाइट से लेना चाहिए और उसको लेने के बाद हमको क्या क्या प्रॉफिट मिल सकता है। तो आइए आज के वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, मेरे हाथ में है ये ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड जो कि मैंने अमेजोन से लिया है। अमेजोन से मैंने ये अप्लाई किया था और उसके बाद जब मुझको ये मिला है तो इसमें ढेर सारे मुझको बेनिफिट मिले हैं। यानी कि आप अपने क्रेडिट कार्ड से मंथली 400-500 रुपए बड़े आराम के साथ सेव कर सकते हो, यानी एक तरीके से कैशबैक ले सकते हो अपनी अमेजोन वॉलेट में। और मैं इसको मई से यूज कर रहा हूँ और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, यानी कि 6 महीने लगभग मुझको हो चुके हैं। और आप देख सकते हो जो मेरा कैशबैक है, ऊपर आप देख सकते हो पीछे बैकग्राउंड में टोटल बैलेंस 3,517 रुपये। मैंने इसमें से कुछ भी यूज़ नहीं किया अभी और ये सारा जो कैशबैक है मैंने इसी से कमाया है। तो यानी कि 6 महीने में 3,500 रुपये का बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड से मुझको हो चुका है और अच्छी खासी इसकी लिमिट है, 1,00,000 की लिमिट मुझको बैंक ने दी है। तो ये देखते हैं कि आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो और क्या क्या हमको बेनिफिट मिलते हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर चलता हूँ आपको अमेजोन की वेबसाइट पर जहाँ से मैंने ये अप्लाई किया था और मिला था। और मज़े की बात यह है कि आज तक मैंने इसको ओपन भी नहीं किया है। ठीक है, देखिए मैं आज आपके सामने इसको ओपन करने वाला हूँ क्योंकि वर्चुअली मैं इसको यूज़ करता हूँ और जब ये मुझको इशू हुआ था तो वर्चुअली कार्ड नंबर मुझको मिल गया था और मैंने फिर इसका अपने यूज़र आईडी बनाने के बाद, क्योंकि अमेजोन की जो एप्लीकेशन है उसी में ये सेव हो जाता है और मैं सारी जो है उसी से ट्रांजेक्शन करता हूँ। आज पहली बार मैं इसका जो लिफाफा है ये ओपन करने वाला हूँ और आपके सामने देखते हैं कि भी कैसा, अभी तक मैंने देखा भी नहीं, शक्ल भी नहीं देखी। 6 महीने हो गए इसको यूज करते करते लेकिन आज तक मैं इसको नहीं देख पाया हूँ और आज मैं लिफाफा खोल के देखते हैं भाई कैसा हमारा क्रेडिट कार्ड है, क्योंकि आज तक देखा भी नहीं है, केवल वर्चुअली देखा है, हार्ड में अभी तक नहीं देखा है। तो इस तरीके से आपका ये क्रेडिट कार्ड आता है दोस्तों। इसमें कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन भी होंगी और एक्टिवेट के लिए भी इन्होंने इसमें दिया हुआ है और लिखा भी है एक्टिवेट योर कार्ड विद इन 30 डेज एल्स द सेम विल बी क्लोज्ड एज पर गाइडलाइंस, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस है आपको जो भी क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है आपको 30 दिन के अंदर अंदर उसको एक्टिवेट करना होता है। तो बहुत ही प्यारा सा मेरा ये क्रेडिट कार्ड है, कार्ड नंबर वगैरह सब इस पर लिखा हुआ है। ये इसके साथ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, इसको आप साइड में रख दीजिए। ये मेरा एक्टिवेट हो चुका है तो मुझको कोई ज़रूरत नहीं है इसको खाने की। मैं इसको जो है नाम वगैरह हाइड कर लेता हूँ नंबर, और आप देख सकते हो। और ये अमेजोन पे का है, वीज़ा कार्ड है और इस पर आपका जो है नाम वगैरह सब छप कर आता है। तो बहुत ही बढ़िया जो है आपको क्रेडिट कार्ड ये ICICI बैंक दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं भाई इसमें हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो हम चलते हैं अमेजोन की जो अपनी वेबसाइट है ऑफिशियल, उस पर जाता हूँ। आप अपने मोबाइल की जो एप्लीकेशन है उसमें भी देख सकते हो, वहाँ पर आपके लिए ऑफ़र मिल जाएगा। कुछ इस तरीके का ऑफ़र आएगा कि अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ लिखा है अमेजोन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड वेलकम ऑफ़र, ये वेलकम ऑफ़र के अंतर्गत आपको मिलता है। तो अगर आपके पास अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप है तब आपको ये 2,500 रुपये का बेनिफिट मिलेगा, और अगर आपके पास प्राइम मेंबरशिप नहीं है तब फिर आपको 2,000 रुपये का बेनिफिट मिलेगा प्लस 3 महीने की आपको प्राइम मेंबरशिप मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्राइम मेंबर वालों को क्या मिलता है। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कैशबैक वर्थ ₹300, यानी कि आप कोई भी एक ट्रांजेक्शन कीजिए, चाहे शॉपिंग कीजिए, कोई बिल पेमेंट कीजिए या अपने मोबाइल में कोई रिचार्ज कीजिए, तब आपको ₹300 तुरंत कैशबैक मिल जाता है। मुझको मिला हुआ भी है, वो भी मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा, एक एक करके दिखाई देता हूँ क्योंकि मैं गया अपने ट्रांजेक्शन हिस्टोरी पर। जैसे ही मैं यहाँ पर जाऊँगा अब मैं आपको आता हूँ कैशबैक में। कैशबैक में आने के बाद, क्योंकि मैंने मई से स्टार्ट किया था, आप देख सकते हो सारा मेरा कैशबैक है। ठीक है, ये मुझको मिला था यहाँ से ₹100 जब मैंने मोबाइल का रिचार्ज किया तुरंत तब मिल गया, और ₹250 मुझको मिला बिल पेमेंट पर, ₹2 ये और कैशबैक था। किस चीज़ का था, स्कैन पेमेंट किया था मैंने, ये अलग चीज़ है। ICICI बैंक का मेरा ये है, और ये अर्न फॉर लास्ट बिलिंग साइकिल, यानी कि इसके बारे में जानकारी देंगे लेकिन पहले हम देखते हैं बेनिफिट्स। अमेजोन गिफ्ट कूपन आपको मिलता है 50% बैक अप टू ₹100 ऑन प्रीपेड मोबाइल रिचार्ज। तो जब मोबाइल का आप कोई भी रिचार्ज करोगे, ₹100 उसी समय भी था अभी भी है। ये देखिए मैंने 3 मई को ये रिचार्ज किया था तो ₹100 का मुझको बेनिफिट इसमें मिल गया था। ठीक है, अब आते हैं टू अमेजोन गिफ्ट कूपन। 25% मुझको मिला था ₹350
ऑन पोस्ट पेड बिल पेमेंट, ये अभी के ऑफर है, उस समय कम था, अब ज्यादा मिल रहा है, ठीक है, तो बहुत अच्छा ऑफर है, आप ले लीजिए। यानी कि आप जितने का भी कोई रिचार्ज करोगे उसमें आपको 25% कैशबैक मिलता है और मैक्सिमम कैशबैक 350 रुपए का रहेगा, ठीक है। तो ये जो 25% वाला कैशबैक है 350 रुपए पोस्ट पेड बिल पेमेंट का, ये भी मुझको मिला था। ये मैंने कब लिया था, ये शायद मैंने मिल लिया था जून में, आप देख सकते हो ये रहा मोबाइल पोस्ट पेड बिल, तो ये मुझको 300 रुपए मिला था, क्योंकि जो मेरा बिल था वो थोड़ा कम था, तो 350 नहीं हो पाया था, लेकिन हाँ 300 रुपए का मुझको मिल गया था, ठीक है। इसी तरीके से 20% बैक अप टू रेज 250 ऑन इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ठीक है, ये कम से कम 500 रुपए का आपका होना चाहिए बिल, और इस पर 250 रुपए आपको 20% के हिसाब से मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगला जो बेनिफिट है वो है DTH का। कुल मिलाकर आप ये देख सकते हो कि भाई आप एक मोबाइल रिचार्ज पर, पोस्टपेड बिल पेमेंट पर, इलेक्ट्रिसिटी बिल पर, DTH बिल, गैस सिलेंडर और ब्रॉडबैंड बिल पेमेंट, इन सब पर मिलाकर जो है आपको 2500 रुपये के ये बेनिफिट दिए जा रहे हैं, ठीक है। 300 वेलकम बोनस हो गया और बाकी सभी है, तो ये 2500 रुपये का जो आपको लगभग मिल जाता है, उस समय ये 1800 रुपये के आसपास था, जो मैं आपको दिखा देता हूँ। 3 मई को आप देख सकते हैं यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये रहा पहले पेमेंट करते ही मुझको 150 रुपये मिल गया था, फिर उसके बाद 100, फिर 250, फिर ये 296। ये 296 ये होता है, अब इसके बारे में समझ लेते हैं कि जैसे ही आपका जो बिल बनता है, आपने मान लीजिए पूरे महीने कुछ पेमेंट किया अपने क्रेडिट कार्ड से, तो एक डेट होती है फिक्स, आप वो अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो कि किस डेट को आपको आपका बिल चाहिए। तो मैंने 12 तारीख फिक्स की हुई है कि भाई हर महीने की 12 तारीख को मेरा जो क्रेडिट कार्ड है उसका बिल आप बना दो, ठीक है। तो अगले दिन नेक्स्ट डे यानी 13 मई में आपने जितना भी शॉपिंग की है या आपने कोई रिचार्ज वगैरह कुछ भी किया है, उसके हिसाब से जितना भी आपका कैशबैक बनता है वो आपको जो है आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है एक कैशबैक के रूप में, पूरे महीने का इकट्ठा। अच्छा, फ़ायदा ये है कि जैसे मान लीजिए मेरा बिल बना 12 तारीख को, ठीक, मान लीजिए चल रहा है अक्टूबर, तो 12 अक्टूबर को मेरा बिल बन चुका है। अब 12 अक्टूबर के बाद मैं जो भी ट्रांजेक्शन करूँगा या कुछ भी शॉपिंग करूँगा अपने क्रेडिट कार्ड से, उसका जो बिल बनेगा वो बनेगा 12 नवंबर को, और मुझको जमा कब करना है, वो जमा करना है मुझको 30 नवंबर से पहले, ठीक है। जैसे अब ये इस महीने का 12 अक्टूबर को बन चुका है, तो मुझको जमा करना है ये 31 अक्टूबर से पहले पहले, ठीक है। तो इस तरीके से बेनिफिट होता है कि भाई आप जो मर्जी यूज़ कीजिए अपनी लिमिट के हिसाब से, और आपको जमा करने के लिए भी अच्छा खासा समय मिल जाता है, तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो क्रेडिट कार्ड से दोस्तों बहुत सारे लोग बहुत अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं मेरी तरह, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। नुकसान ये है कि भाई अगर आपका मान लीजिए कोई फिक्स इनकम नहीं है और आप ज़्यादा खर्च कर दो और आप समय पर इसको नहीं चुका पाते हो, तो फिर इसका जो इंटरेस्ट है बहुत हाई लेवल से बढ़ता है, यानी कि बहुत ज्यादा इसमें आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि जितनी आपकी इनकम है उसी हिसाब से आपको इसमें खर्च करना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हो गया मई का। इसी तरीके से हर महीने की 13 तारीख को मेरा कैशबैक आ जाता है, तो 296 मैंने मई में कमाए थे, फिर जून में कमाए, फिर उसके बाद आप देख सकते हो ये जो मेरे बाउचर बचे हुए थे मैंने यूज़ किया था पोस्टपेड बिल का, वो आपको बताया था। ये गैस सिलेंडर का था 111 रुपये, ये बचा मुझको मिल गया था। फिर मेरा जो है ये 13 जुलाई को, फिर 395 रुपये, तो यानी कि एक एवरेज में 300-400 रुपये हर महीने आराम के साथ बचा रहा हूँ, आप देख ही सकते हो। फिर जुलाई में मोबाइल पोस्टपेड बिल का मुझको एक और कूपन मिला था ICICI से ही, तो 300 रुपये मुझको वो मिल गए थे। फिर ये 14 अगस्त को आप देख सकते हो दोस्तों कितना तकड़ा मुझको इसमें कैशबैक मिला था 965 रुपये का, ठीक है, यानी इसमें ज़्यादा मैंने शॉपिंग वगैरह की थी, तो उसके हिसाब से 5% के हिसाब से आपको मिलता है, यानी कि जितनी भी आप शॉपिंग करोगे ना इस पर आपको 5% मिलेगा, और जितने भी आप बिल पेमेंट करोगे उस पर आपको 2% मिलेगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो 26 अगस्त को गैस सिलेंडर का एक और मुझको कैशबैक मिला था, यानी कि 2 सिलेंडर मैं ले सकता था, दोनों का मैंने यूज़ कर लिया था। फिर आप 13 सितंबर में देख सकते हो सितंबर का मुझको कैशबैक मिला है 638, और फिर अक्टूबर का आप देख सकते हो 627 रुपये। तो अब आप जोड़ सकते हो दोस्तों कि जो 3000 कुछ रुपये हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 3517 रुपये ये मैंने मई से अब तक जो है इससे कैशबैक के रूप में प्राप्त किए हैं। और जब मैंने देखा कि यार मेरा फ़ायदा हो रहा है तो क्यों ना आप लोगों का फ़ायदा करवाया जाए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है कि आज ही आप अपना ICICI बैंक को जो क्रेडिट कार्ड का ऑफर आ रहा है उसको अप्लाई कर दीजिए, और बहुत जल्दी आपका ये आ जाता है। आपको कहीं किसी बैंक के चक्कर नहीं लगाने हैं, आपका जो है एक वीडियो वेरिफिकेशन होता है, बहुत ही आसान है, आपके एप्लीकेशन में ही आपकी वीडियो वेरिफिकेशन होगी, आप वहीं पर साइन करेंगे, अपना फ़ोटो देंगे और आपका जो पैन कार्ड वगैरह है उसका फ़ोटो वो लेंगे, और बस आपका वेरिफिकेशन होते ही मुश्किल से एक हफ्ते में आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर पर आ जाता है। और आप अगर चाहे घर पर भी ना आए, मेरी तरह जैसे मैंने आज ही लिफाफा खोला है और वर्चुअली आपको कार्ड का ये नंबर दे दिया जाता है आपके एप्लीकेशन में ही, उसी से जो है आप सारे अपना पेमेंट कीजिए, अपना शॉपिंग कीजिए, सब कुछ उसमें मिलता है, ठीक है। तो 5%
5% ये ध्यान आपको रखना है कि 5% आपको जो है मिलेगा शॉपिंग पर और बिल पेमेंट पर 2%। अब नॉन प्राइम वालों को भी बता दूं, ये वेलकम ऑफर था प्राइम वालों के लिए, तो नॉन प्राइम वालों के लिए 200 रुपये है वेलकम ऑफर, बाकी इसमें जो सारे लगभग सेम ही है, ठीक है। तो इसमें केवल जो आपका प्राइम वालों को 300 रुपये मिल रहा है, इसमें आपको 200 रुपये मिलेगा, बाकी प्रीपेड पर 100 रुपये है, पोस्टपेड पर 350 ही है, इलेक्ट्रिसिटी पर भी 250 है, DTH पर भी 250 है, और आपका ब्रॉडबैंड पर जो है गैस सिलेंडर पर इसमें जो है 250 रुपये है, उसमें भी 250 था, यहाँ पर आपको 400 रुपये ब्रॉडबैंड बिल पर है और 200 रुपये आपका जो है DTH पर है, ठीक है। इसमें DTH पर 250 है, यहाँ आपका 200 है, और आपको प्लस 3 महीने की जो है प्राइम मेंबरशिप भी दी जा रही है, तो ये भी अच्छा फ़ायदा है आपके लिए, अगर आपके पास नहीं है तो वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप इसमें बड़े आराम के साथ जो है अच्छा खासा बेनिफिट ले सकते हैं। तो अगर आपका इसके बारे में कोई सवाल है, कुछ आप ऐसा सुझाव देना चाहते हैं या आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा आपके हर सवाल का जवाब देने की, और आपके जो सुझाव हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मैं हूं आपका दोस्त हिमांशु चौधरी, फिर मिलूंगा किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।